मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी बढ़िया ही होंगे। गाइस, कल से अभी तक बारिश लगी हुई है, इतनी बारिश लगी है बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है और मेरी तबीयत भी थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई है। जुकाम कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज भी मैं वर्क फ्रॉम होम ही करूँगा क्योंकि ये भी बाहर जाने तो पॉसिबल है नहीं, बारिश लगी है और मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ। और भी बारिश ही लगी हुई है, देखिए गाइस, लास्ट ईयर मैं एक दिन बारिश के दिन ऑफिस निकल गया था। गुड़गांव में मेरा ऑफिस है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ इतना यहाँ तक पानी भरा हुआ था, 3 घंटे लगे थे मुझे ऑफिस पहुँचने में, इतनी मुश्किल हुई थी उस दिन। तो लग रहा था कि ऑफिस पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गुड़गांव में जो वाटर लॉगिंग का सिस्टम है बहुत ही बेकार है, वहाँ थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इतना पानी बढ़ जाता है। मैं जाते हुए देखता हूँ कई ऑफिसों जो पूरे पूरे जलमग्न हो जाते हैं, पूरे के पूरे, मतलब उनकी जो पार्किंग, उनका जो एंट्रेंस, सारा का सारा जो पानी से भर जाता है। तो वहाँ बारिश के टाइम में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जनरली मैं अवॉइड ही करता हूँ। जिस दिन बारिश होती है तो वहाँ नहीं जाता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम देख चुका हूँ, वहाँ बहुत मुश्किल होती है जब बारिश होती है। तो गाइस, बाल भी थोड़े बड़े हो गए हैं, सोच रहा है कटवा लेता हूँ। मुझे ज़्यादा लंबे बाल रखने की आदत है नहीं, मुझे बहुत अनईजी फील होता है, तो अभी मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। मैं जनरली छोटे ही बाल कटवाता हूँ, फौजी कटिंग कटवाता हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवा के आता हूँ। तो बाल फाइनली कट गए हैं फ्रेंड्स, बाल काटे हैं मेरे भाई साहब, क्या नाम है भाई? सद्दाम भाई ने काटे, बहुत मस्त बाल काटे हैं, किसी को भी कटवाने थे यहाँ पे आ सकते हैं। क्या नाम है भाई दुकान का? कीना हेयर सैलून। थैंक यू भाई। गाइस, बाल कटवा के मैं आ गया हूँ, सद्दाम भाई ने मेरे मस्त बाल काटे हैं, देखिए कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। सद्दाम भाई ने जो काटे हैं ना बाल, एकदम मस्त काटे हैं, और मात्र 60 रुपये में। बड़े बड़े सैलून फेल कर दिए भाई ने, 60 रुपये में मात्र बाल काटे मेरे, देखिए क्या मस्त काटे हैं। तो अभी हो रहे 9:15, तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस आज भी शुरू होने वाले हैं, तो फटाफट नाश्ता करके खोलते हैं अपना लैपटॉप और काम करते हैं अपना शुरू। गाइस, दिन के बज चुके हैं 1 और धूप इतनी तेज निकल गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सुबह इतनी तेज बारिश हो रही थी। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि 2 दिन तक रुकने वाली नहीं, लेकिन अभी इतनी तेज धूप निकल गई है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, इतना साफ आसमान है, इतना मस्त लग रहा है देखने में, पॉल्यूशन फ्री, एकदम मस्त, क्या क्लियर व्यू आ रहा है, इतना झकास लग रहा है देखने में। देखिए आप, इनके बज चुके हैं 2 और हो गया मेरा लंच का टाइम। अभी मैं खा रहा हूँ नॉनवेज जो कल बनाया था हमने, बच गया था एक्चुअली। कल मैं थोड़ा ज़्यादा बनाया था क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा नॉनवेज बना के अपने ऑफिस में ले जाऊँगा, अपने कलीग्स को खिलाऊँगा, क्योंकि वही मुझे खिलाते रहते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं बना के ले जाऊँगा, लेकिन मॉर्निंग में आज बारिश होगी तो मैं ऑफिस जा नहीं पाया, तो एक्स्ट्रा बनना हुआ था, तो वही मुझे खाना पड़ रहा है, तो इसीलिए कहते हैं मैं खाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जिसके नसीब में जो होता है उसको मिलता है। कोई बात नहीं, दोबारा बना के ले जाएंगे, दोबारा ले जाऊँगा बना के, डरो मत तुम। शाम के बज के 6, ऑफिस आवर्स हुए ख़त्म, अब मैं इसको बंद करके चलते हैं, थोड़ा पास में एक पार्क है हमारा राजवे का, थोड़ा वहाँ घुमाने ले चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे पार्क में। चलिए, तो पार्क वगैरह की सुविधा बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको इक्के पार्क दिखेंगे, और उन पार्कों में भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, अभी दिखाऊँगा आपको जब पार्क पहुँचेंगे कितना रश रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश रहता है। ये भी एक अभी बनाया गया रिसेंटली, ये तो यहाँ पे भी बहुत कीचड़ वगैरह होता था, ये भी रिसेंटली अभी बनाया गया है, बट अच्छा है, ठीक है, अच्छा बना है, पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। ये पार्क नहीं है, ये पार्क है कोई, पार्क नहीं, रखता है ना, तो देखो तो इसमें के लिए
बनाया है कि जो लोग जॉगिंग करते हैं ये लोग वॉक करने आते हैं, अगर थक लग जाए तो बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, मतलब बैठे हैं वहाँ पे। वो देखिए वो देखो मुझे दादा जी बैठे वहाँ पे, तो लोग बैठ सकते हैं वगैरह भी लगा दिए, काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। और ये जो पाथ बना दिया है, पेडेस्ट्रियन वॉक बना दिया, काफ़ी सही, काफ़ी हद तक पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। ये बेंचेस वगैरह तो काफ़ी पहले से बेटरमेंट आ रही है। तो गाइस ये पार्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन झूले वगैरह सरकार ने काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं यहाँ पे, और सुविधा तो ठीक ठाक दे रखी है। लेकिन देखिए क्या हाल हो रहा है, फ्लैश फ्लैश वाटर पार्क बना हुआ है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह के लिए झूले लगा रखे हैं सरकार ने, आउटडोर जिम इक्विपमेंट बोलते हैं उन्हें जो वहाँ लगे हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये भी तो मस्त है, इसको अगर किसी को वाटर पार्क जाना है तो यहाँ पे आ सकता है। प्रकाश यहाँ से देखिए राइड ले, किसी तो पानी में पार्क के बीचों बीच तो जा नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ साइड में चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने दिखाई दिया है क्या मस्त नज़ारा आ रहा है पार्क के बीचों बीच। मोटापा वॉक कर रही है। अरे ये देखिए पूरा रॉयल कैसीनो बना हुआ है यहाँ पे, मस्त सब लोग बैठ के ताश खेलते हैं यहाँ पे। झकास का जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करता हुआ अगला नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2050 में गोल्ड मेडल लाने। आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सुनने में आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला जी जो बिग बॉस के विनर रहे थे उनका सडनली देहांत हो गया है। तो ये काफ़ी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही है हमारे लिए। वो 40 साल का, 40 साल की उम्र में कोई बंदा कैसे हार्ट अटैक से मर जाता है, इतना फिट वो भी देखने में, इतने फिट जिम करते थे, पता नहीं कैसे हार्ट अटैक आ गया, बहुत शॉकिंग रहा हमारे लिए। तो उन्होंने रिसेंटली काफ़ी शो किए थे, कौन सा शो किया था मतलब? अभी तो वो लास्ट आए थे डांस जमाने में, ऐसे जज आए थे मतलब। हाँ अभी वो गेस्ट जज आए थे, लेकिन सडनली ऐसी न्यूज़ आती है, काफ़ी शॉकिंग लगता है। वो भी इतना जवान, मतलब जवान लड़का था, मतलब शादी भी नहीं हुई थी। हाँ तो मतलब बहुत अजीब लगता है सुनने में भी, वो एजड इंसान हो तो फिर भी लगता है चलो एज हो गई, बट इतने यंग आदमी कैसे हुआ है। यही सोच के लगता है आज की डेट में कि मतलब कुछ बाहर से कैसा भी दिख रहा हो, हट्टा कट्टा हो, अंदर उसके पता नहीं क्या चलता है, कुछ पता नहीं चलता। जो बंदा बाहर से इतना हेल्दी दिखता है, इतना फिट दिखता है, फाइन दिखता है, उसका हार्ट इतना कमज़ोर है कि उसकी डेथ हार्ट अटैक से हो जाती है। तो ये हमारे लिए नहीं, जो भी यंग आजकल की जनरेशन है उसके लिए भी एक वो है, लेसन है कि मतलब आपका कोई पता नहीं है तो कभी भी लाइफ को फुल करके जियो, लाइफ फुल ही जियो। ये मत सोचो कि हम बाद में करेंगे, बाद किसने देखा है, उसे पता था कि वो मतलब मर जाएगा, उसके कितने प्लान रहे होंगे, कितना उसके पास प्रोजेक्ट रहा होगा, बट उसको पता थोड़ी था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ को फुल ही जियो, कोई भी रिग्रेट अपने लाइफ में मत रखो, अपना जो भी है सब भूल भाल के अपनी लाइफ जियो। राइट यार, यही होता है असली बचपन, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। अरे अरे क्या कर रहे, पानी में कबड्डी। घर चलते मधु, अरे मधु चलो घर चलते हैं, चलो 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 अब चलते हैं घर, चलते हैं घर भाई। हम डिनर करने जा रहे हैं, लेकिन डिनर करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आज जो हमने न्यूज़ सुनी सिद्धार्थ जी के बारे में, उसी का हमारा मतलब ख्याल दिमाग में वही चल रहा है, एक एंटरटेनमेंट दुनिया का हमने बहुत बड़ा सितारा खो दिया आज। तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ जी छोड़ के चले गए दुनिया को, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को एक हिम्मत प्रदान करें। तो इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।